न्यूमेरिकल दी गल करते हैं तो लिखो ए पॉइंट सोर्स ऑफ TM wave is emitting TM wave of power ट्वेंटी मिली वॉट इन वैक्यूम फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड at distance 2 meters from the point source. देखो बेटा हुण थानू power given है निकालना की है केदा हाँ हुण इहदे लई तुहानू जिन्ना आपां टॉपिक पढ़िया वो सारा कुछ याद आना चाहिए साइमल्टेनियसली हुण जिहड़ा तुहाडा मैगनैटिक फील्ड है ई नॉट बाय बी नॉट इज इक्वल टू सी तो एम्पलीट्यूड ऑफ मैगनैटिक फील्ड निकालन लई सिर्फ चाहिए एम्पलीट्यूड ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड क्योंकि सी दा स्पीड ऑफ लाइट है हुण इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव ते पावर दा कोई रिलेशन है आई इज इक्वल टू पी ओवर 4 pi r² है ना आर की दिता 2 meter दिता पावर भी दिती इंटेंसिटी निकल आएगी पहला देख लो फार्मूला तैयार करिए अच्छा हम इंटेंसिटी ते एवरेज एनर्जी डेंसिटी का कोई रिलेशन है कि है यूसी है ना किने बराबर ठीक है हुण जिहड़ी टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी है इहदा किते इलैक्ट्रिक फील्ड नाल रिलेशन है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर है ना पी इज इक्वल टू पी ओवर 4 pi r² तो इहदा मतलब ई नॉट 2 p 4 pi r² एप्सिलॉन नॉट सी है ना हम काम में सौखा कितना करता है देखो तेरे जरिए देखो ए 2 p 4 pi epsilon naught r² c अंडर रूट भी है ना और आ 1 by 4 pi epsilon naught आ चुका है ना उसी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते कैलकुलेशन सौखी हो गई तो r भी गिवन है c भी पता p भी गिवन है 2 भी पता तो ई नॉट आ जाएगा तो ई नॉट निकल आया तो बी नॉट जे उन्हें पूछा होंगे भी आर एम एस वैल्यू तो फिर आप इदा लिख देना है ना तो इदा सॉल्व कर लेना
हम तुसी जो ऑब्जर्व कर रहे हैं की है कि सारे फार्मूला एक दूसरे नाल जुड़े हुए है ना, तो वो उन्हें बच्चों ही न्यूमेरिकल बनना है। फिर लिखो बेटा, ठीक है, तो एक तो सॉल्व कर लियो ना, तो P R P पता वा, तो 1/4 πε0 V। फिर देखो बेटा, लिखो a ray of light, a ray of light having intensity ₹120 mW/sq cm is incident normally on a surface. If it is absorbed completely by the surface, if it is absorbed completely by the surface, then find the pressure exerted on the surface. ठीक है, हम कितना निकल आएगा, प्रेशर P इज इक्वल टू I/C है ना, I गिवन है, I कितना गिवन है, 120 mW/ हाँ स्क्वायर सेंटीमीटर 10⁻⁴ स्क्वायर मीटर आ गया ना, समझ आई गल। आई बन गया और सी पता ही है, तो जो ने क्या होगा कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड फिर डबल हो जाना सी, जो ने क्या होंगा कि 40% एब्जॉर्ब्ड है बाकी रिफ्लेक्टेड है, फिर उस केस दे विच आ वाली जिहड़ी वैल्यू है ए 0.4 ना मल्टीप्लाई हो जानी सी, तो एदा डबल जिहड़ी है वो 0.6 ना मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाना, तो इस तरीके नाल सॉल्व कर लेना। हुण पुत्र देखो एक गल होर नोट कर लेनी है, वो की है कि जेड़ा EM स्पेक्ट्रम है ना उदे विच गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, लाइट, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव से रेडियो वेव हुंदियां वा, कई बुक्स ने ना कॉस्मिक रेज भी वर्ड यूज कीता वा, तो एक्चुअली कॉस्मिक रेज बेसिकली कहना नु कहने आपा
कि जेड़ा कॉसमोस कहने हैं आउटर स्पेस नो है ना, भी सोलर सिस्टम तो बाहर वाली स्पेस कॉसमोस है, तो उस आउटर स्पेस तो साढ़े वाल अर्थ वाल नो डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिएशन आ रही हैं ना, उन्होंने कॉस्मिक रेज कहने हैं। कॉस्मिक रेज के विच हाई एनर्जी प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, प्लस गामा रेज, उन्होंने कलेक्टिवली जी कॉसमोस से आने वाली रेज नो असी कॉस्मिक रेज कहने हैं, पर उन्होंने गामा रेज भी है। इस कारण करके कॉस्मिक रेज कोई अपने आप ईएम रेज नहीं है, क्योंकि उस प्रोटॉन्स भी है, चार्ज पार्टिकल्स भी है ना, न्यूट्रॉन्स भी है, इस कारण करके ध्यान रखना। तो कॉस्मिक रेज जड़िया वो ईएम वेव च नहीं आंदियां, ये अंडरलाइन कर लेनी स्पैशल गल। फिर बेटा जदों तुसीं न्यूमेरिकल्स दी हुण आपां गल कर रहे हैं, तो देखो जदों तुहाडे सामने इलेक्ट्रिक फील्ड दी वैल्यू दित्ती हुई है ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एच जे का, हम गल नूं समझियो पुत्र, तो इथों थानू की पता लग रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कि पॉजिटिव एक्स के नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स, पर आ जी डायरेक्शन है ना ये डायरेक्शन ये भी है, समझ आई गल। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन अलग है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक्ड विद ईएम वेव अलग है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद ईएम वेव अलग है, और तिना भी डायरेक्शन का रिलेशन थानू दसिया होया कि एफ इज इक्वल टू ई क्रॉस बी बाय म्यू नॉट तो निकल आंदा। तो जोड़ा पॉइंटिंग वैक्टर है यदि डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को रिप्रेजेंट करती, ठीक है। हम जिदा आही केस है, इस केस के विच डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन पॉजिटिव वैक्टर है, मतलब आई क्या है, समझ आई गल, और आ डायरेक्शन दिती है जे, और आ की होगी जे क्रॉस के, ताई आई बनेगी ना, तो ये पॉजिटिव जेड है, ये समझिए, समझ आई गल। तो मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट तो पता लग रहा है कि जो सानू दो डायरेक्शन पता है ना, हम सपोज करो सानू आ वाली जी डायरेक्शन है वो माइनस जे दिती होंगी, तो अगर ये माइनस जे है तो ये माइनस के हो जाने, समझ आई गल। हाँ, अगर मान लो आप प्लस होंगे तो आ माइनस हो जाने की, तो फिर जे क्रॉस माइनस के, तो फिर माइनस के हो जाने की, मतलब इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन तो प्रॉपर वर्डिंग आनी है कि ये पॉजिटिव एक्स है पॉजिटिव वाई है, पॉजिटिव जेड है नेगेटिव एक्स है नेगेटिव वाई है नेगेटिव जेड है, तो उन्हें प्रॉपर वे से एक्सप्रेस करना वा, तो वो ध्यान से रखिए। हम देखो बेटा जदों तुसी देखो गल फिर बार बार वही रेपिटेशन ही है, हम जदा मान लो थानू इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन दिती है, तो जेड़ा टी टाइम का कॉफिशेंट है वह ओमेगा वा, जेड़ा एक्स का कॉफिशेंट है वह के है, तो ओमेगा वाई के स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, स्पीड ऑफ ईएम वेव के बराबर, तो स्पीड ऑफ ईएम वेव है ना, न्यूमेरिकल कोई मुश्किल नहीं है, देखो देखो भाई, हम अगर मान लो थानू दसिया जाए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ईएम वेव के नाल लिंक्ड है, तो हम इसे ओमेगा के दी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं है ना, उतो असी वी स्पीड ऑफ ईएम वेव इन मीडियम निकालिया जा सकता, तो जिस मीडियम के अंदर ये वेव
ट्रैवल कर रही है, अगर उस मीडियम की न्यू और एक्साइलेंट एक भी पता तो दूसरी निकल आएगी, है ना। इन्हें दोनों एक भी अगर पता हुआ तो दूसरी निकल आनी है, अगर आ सारे पता तो इस तरह जोड़ना पाएगा सानू। ये इंफॉर्मेशन नोट करनी है अपना, ये न्यूमेरिकल काम आएगी तो न्यूमेरिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होने हैं। अच्छा पर आ दिखिए पुत्र हूँ एक होर गल, अभी इंफॉर्मेशन याद रखो कि आ बेटा थोड़ा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। आ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दी कैपेसिटेंस है सी, ठीक। और ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है एक कनेक्टेड है एसी सोर्स नाल, एसी सोर्स नाल। उसका मतलब की है कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस जिहड़ी वोल्टेज है या इस कैपेसिटर की प्लेट से जिहड़ा चार्ज है उन्हें साइनोसॉइडली वेरी होना वा, वेरी होना है ना। हुण पुत्तर ध्यान दियो, ये जिहड़ा कैपेसिटर है इहदे केस च अगर मैंने पूछे, देखो इनू एदा पूरा सर्कट ही बना देना थोड़े सामने, आ गल नू पकड़ियो है ना, इहदे बिहाफ से भी सानू न्यूमेरिकल मिलने आ। तो आ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एसी सोर्स नाल कनेक्टेड है, एडी कैपेसिटेंस सी है, और ए की है इसका एरिया ऑफ प्लेट है, ठीक। हम गल नू देखो पुत्र, छड़ दो सब कुछ। हम अगर वो मैनू कहे कि ये अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट निकालो, है ना, तो आपका फार्मूला के लिए याद आना एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। हूँ बेटा एप्सिलॉन नॉट क्योंकि थानू पता वा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होंदा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लेन ऑफ द प्लेट के परपेंडिकुलर होंगी तो एरिया वैक्टर के अलॉन्ग हो गई तो कॉस जीरो वन हो गया क्योंकि फ्लक्स के विच ई डॉट ए होना ना इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो ये आपका सीधा इन्ना भी लिख सकते हैं ई ए, है ना। गल समझियो पुत्र, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इतिहास से भी न्यूमेरिकल मिलने थानू। हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट का एरिया जोड़ा वा वो तो फिक्स, तो इट मीनस और डिफरेंशिएशन तो बाहर आ जाना, तो डी ई बाय, ठीक होगी गल। इहदा मतलब अज तो बाद अगर मैनू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा तो वेरिएशन दिती है डी ई बाय डी टी, तो मैं डिस्प्लेसमेंट करंट निकालता था, जो डिस्प्लेसमेंट करंट दिता था डी ई बाय डी टी भी निकालता। अच्छा दूजी गल देखो बेटा, हम अगर थोड़े प्लेट के विच पोटेंशियल डिफरेंस है वी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उन्हें ध्यान रखियो क्योंकि आप एसी पढ़ के आए ना, ई इलेक्ट्रिक फील्ड भी जरा ई एम एफ का सिंबल सी तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे ई की है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और वी पोटेंशियल डिफरेंस है ना। और अगर थोड़ी प्लेट के विच दूरी डी है तो थानू पता वा E is equal to V by D, फर्स्ट यूनिट पढ़िया सी, तो इट मीन आप इतने ई की जगह से
आ डी बार आ जाएगा, आ कैपेसिटेंस नहीं होती पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट कैपेसिटेंस इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो भी आ सकता है। मतलब अभी एक फार्मूला तैयार हो गया है ना, नो डाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ली कटिया थी, पर ये हर तरह के कैपेसिटर ली एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये वो रिजल्ट है जिन्हें थोड़ी टिप्स से चाहिए है ना। फिर देखो बेटा लास्ट पॉइंट जरा देखो इधर, हम आज जी मैं डॉटेड लाइन कैपेसिटर के अंदर ड्रॉ की है ना, ये जी लाइन है इन आप कह सकते हैं एक्सिस ऑफ कैपेसिटर, ठीक। तो यह आप मान लिया स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आई डी। हम अगर थानू कहे गल सुनो भी इस ट्रेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक्सिस तो डिस्टेंस आर से मैगनैटिक फील्ड कटो, हम मैं थानू की कहा कि तुसी ये जी डॉटेड लाइन है ना इनू की इमेजिन कर लेना करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, तो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर तो डिस्टेंस आर से मैगनैटिक फील्ड कटन का फार्मूला थर्ड यूनिट कटिया नहीं थी म्यू नॉट आई ओवर टू फाइव आर, पर होने से करंट आई डी है, समझ आई है गल है ना। मतलब आई डी फिफ्थ यूनिट तो पता लगा सी ते बी ते करंट का रिलेशन सानू थर्ड यूनिट पता सी। मतलब जे मैनू कोई कहे कि हाँ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है कनेक्टेड विद एसी सोर्स, तो इस पैरेलल प्लेट की एक्सिस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर से मैग्नेटिक फील्ड कटो, तो तुसी एक्सिस केड़ी मननी है पुत, आ जिहड़ियां दो बार वायर्स है इन्हां नूं जोड़ लो, इमेजिन कर लो वह स्ट्रेट कंडक्टर आ जाना तुहाडा, और उहदा करंट की मनना आई डी, तो आई डी करके। और यह आपां ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, इधर देखो कि जिहड़ा आ वाला करंट है यह कंडक्शन करंट है और आ डिस्प्लेसमेंट करंट है, दोनों बराबर होंगे। हम जो मान लो मैं क्या जा रहा है इतने कंडक्शन करंट 2 मिली एम्पीयर है, तो अंडरस्टूड है डिस्प्लेसमेंट भी 2 मिली एम्पीयर। मतलब ये वो रिजल्ट है जिहड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने साडी हेल्प कर दे। सो इत तक लगी समझ हूँ, तो ये पुत्र ये साडा फिफ्थ यूनिट हो गया कंप्लीट।